व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। इस सेक्शन में हम सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जरूरी है उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है, देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हम लोगों ने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है, जो 17 नवंबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है थ्रेट और ट्रीट। यदि आज के एडिटोरियल को हम लोग समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि आरसीईपी पर अंतिम समझौते में उन विभिन्न मुद्दों को संबोधित किया गया है जिस ओर भारत ने ध्यान दिलाया था। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 2, जिसमें पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और मूलतः इंटरनेशनल रिलेशंस वाले सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। 15 नवंबर को चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आसियान समूह के 10 देशों के हस्ताक्षर के साथ ही क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसीईपी अस्तित्व में आ गई, जो विश्व के सबसे बड़े व्यापारिक समूहों में से एक है। इस समूह में भारत की अनुपस्थिति उल्लेखनीय है, जिसने 7 वर्षों की लंबी वार्ता के बाद अंततः पिछले वर्ष नवंबर में इस समूह से बाहर निकलने का निर्णय लिया था। देखिए, संडे 15 नवंबर को आसियान समूह के 10 देश और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स हैं, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, इन सभी देशों ने मिलकर आरसीईपी जो एग्रीमेंट है उस पर हस्ताक्षर किए। सबसे बड़ी देखने योग्य बात यहां पे ये है कि भारत इस समूह से बाहर है। 7 वर्षों तक भारत ने इस समूह का हिस्सा बनने की कोशिश की और साथ ही साथ अपने कुछ ऑब्जेक्शंस, अपने कुछ इश्यूज रेज किए, लेकिन उन इश्यूज को एड्रेस नहीं किया गया, जिसकी वजह से भारत ने पिछले साल नवंबर 2019 में इस समूह से बाहर निकलने का फैसला किया। आरसीईपी के 15 सदस्यों में से अधिकांश के साथ बढ़ते व्यापार घाटे से अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए भारत ने अपने इस निर्णय को सही ठहराया था और सुरक्षा उपायों पर उसके आग्रहों को समूह द्वारा ठुकरा दिए जाने की वार्ता की विफलता का कारण बताया था। देखिए, ये जो आरसीईपी के जो 15 सदस्य हैं, भारत ने ये जानकारी दी कि क्योंकि इन सभी देशों के साथ भारत का जो व्यापार घाटा है, ट्रेड डेफिसिट, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इस वजह से भारत इस समूह से बाहर निकलने की बात कर रहा था। साथ ही साथ ये भी बात सही है कि कुछ सुरक्षा उपाय जो भारत ने सजेस्ट किए थे इस समूह में, उन सुरक्षा उपायों को इस समूह ने पूरे तरीके से नजरअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से भारत ने यह फैसला लिया कि अब इस समूह में रहने का कोई मतलब नहीं है और इसलिए भारत ने समूह से बाहर निकलने की घोषणा कर दी। उस समय भारत के इस तर्क को उपयुक्त माना गया था और उद्योग, व्यापार और कृषक समूहों द्वारा इस निर्णय का स्वागत भी किया गया था। देखिए, पिछले साल जब भारत ने ये निर्णय लिया कि अब वो आरसीईपी से बाहर निकल रहा है, तो भारत में चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो व्यापार समूह हो, चाहे वो कृषक समूह हो, सबने इस कदम का स्वागत किया था। हालांकि 1 वर्ष बाद भारत के समूह से बाहर निकलने के निर्णय पर इसके आर्थिक औचित्य के संदर्भ में अब एक विमर्श की गुंजाइश बनती है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है, 1 साल हो गया है भारत को आरसीईपी से निकले हुए, अब ऐसा माना जा रहा है कि एक प्रॉपर डिबेट जरूर बनती है इस फैसले के ऊपर जो भारत ने लिया इस समूह से निकलने के लिए।
यहाँ पे हम लोग आरसीईपी की बात कर रहे हैं, तो सबसे जरूरी हमारे लिए ये समझना है कि आरसीईपी दरअसल है क्या। अब यदि मैं आपसे बोलूं आरसीईपी, तो आरसीईपी एक तरीके का मेगा रीजनल व्यापारिक समझौता है जिसका निगोशिएशन सन 2012 से हो रहा है, इनके बीच में आसियान समूह के देश और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मेंबर पार्टनर्स हैं, ये कौन है? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, भारत भी पहले था, तो पहले ये 6 थे, अब मात्र 5 रह गए। इसका गोल क्या था? ये जो आरसीईपी बनाया जा रहा था उस समय इसका गोल क्या था? तो गोल था इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको बूस्ट करना, साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सभी देश एक दूसरे को आपसी सहयोग करें इकोनॉमीज में, साथ ही साथ पूरे के पूरे क्षेत्र में देशों के बीच में एक सामंजस्य बना रहे, शांति की स्थिति हमेशा बनी रहे। टारगेट ये किया गया था कि कौन कौन से क्षेत्रों को कवर किया जाएगा, तो कहा गया कि भैया ट्रेड जो होगा वो गुड्स में होगा, सर्विसेज में होगा, इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है एक देश दूसरे देश में जाकर के, इकोनॉमिक और साथ ही साथ प्रौद्योगिकी, मतलब इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी दोनों का जो सहयोग है देश एक दूसरे को देंगे, साथ ही साथ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, इन सभी मुद्दों को कवर किया जाता इस चीज में। तो ये तो बात हो गई आपके आरसीईपी की कि आरसीईपी है क्या, लेकिन अब जो मसौदा असली है उसको समझने की जरूरत है। देखिए, क्योंकि कोविड महामारी इस समय चल रही है और हम सब जानते हैं कि भाई चाहे वो यूरोप के देश हो, यूरोपीय यूनियन के देश हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संदर्भ में बात करें, हम लोग देख सकते हैं कि भाई कोरोना की एक और लहर जो है इन कंट्रीज पे अपना असर बहुत बड़े रूप से दिखा रही है, और इस वर्ष कोरोना पैंडेमिक के कारण इन सभी देशों की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, जो डेवलपमेंट थी, वो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। कई देशों की, मैक्सिमम आप ये कह सकते हैं मेजॉरिटी देशों की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो नेगेटिव में चली गई है, किसी भी तरीके की इकोनॉमिक रिकवरी का समय उन देशों को नहीं मिल पा रहा है। यही अगर हम लोग इन देशों की बात करें जो आरसीईपी के देश हैं, यहाँ पे कई देशों ने अपने यहाँ पे कोरोना महामारी को पूरे सुचारू रूप से कंट्रोल कर लिया है, कंट्रीज जैसे कि जापान, साउथ कोरिया, चाइना, न्यूजीलैंड, इन सभी कंट्रीज ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए अपने आप को एकदम सक्षम बना लिया है। अब इनके लिए कोरोना महामारी चुनौती नहीं है, चुनौती इनके लिए ये है कि कोरोना महामारी के कारण जो नुकसान हुआ है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ में जो गिरावट आई थी उसको किस तरीके से रिकवर किया जाए। इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो अब प्राइमरी एजेंडा है इन सभी देशों का, और ये सभी देश पूरे तरीके से उस ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, यहाँ पे ये सबसे जरूरी बात है। अब जब हम लोग बात करते हैं कि भाई भारत और आरसीईपी, भारत के कंसर्न क्या थे, भारत मेंबर क्यों नहीं बन सका, तो थोड़ा देखते हैं उसको। देखिए, भारत ने नवंबर 2019 में ये फैसला किया कि वो आरसीईपी का मेंबर नहीं बनेगा। कारण जो दिया गया, नंबर पहला, भारत ने ये कहा कि भाई भारत का जो व्यापार घाटा है कई देश जैसे कि आसियान समूह के देश, कोरिया, जापान, इनके साथ लगातार बढ़ता जा रहा है। पहला हवाला भारत ने ये दिया। दूसरा, टैरिफ एलिमिनेशन, जो टैरिफ लगते हैं, जो अलग अलग तरीके के टैरिफ लगते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, आरसीईपी के यदि मेंबर होंगे तो यहाँ पर टैरिफ्स को लेकर के कुछ अलग कंडीशंस हैं, जैसे कि आप समझिए अभी अगर हम लोग 2018-19 के संदर्भ में बात करें तो 2018-19 में भारत का जो व्यापार घाटा है ओवरऑल उसकी मात्रा है लगभग 105.2 बिलियन US डॉलर्स। ये 2018-19 के संदर्भ में भारत का व्यापार घाटा है। आरसीईपी का कहना यह है कि 92% भारतीय गुड्स जो है उनके ऊपर किसी तरीके का कोई टैरिफ नहीं होगा, मतलब टैरिफ फ्री अगले 15 सालों के लिए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि भाई भारत को जो अपने प्रेजेंट जो टैरिफ्स हैं उसको लगभग 90% से स्लैश करना होगा सभी के सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब क्योंकि हम जानते हैं कि भाई जो इंपोर्ट ड्यूटीज होती हैं वो रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स है भारत के लिए, तो उसकी वजह से अगर उसमें नुकसान आता है इंपोर्ट ड्यूटीज में, तो हम लोग देखेंगे जो हमारा कस्टम रेवेन्यू है
वो कहीं ना कहीं गिरेगा, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आ सकती है। अब एक चीज और यहां पे देखने वाली बात, जो भारत ने सबसे बड़ी देश का, भारत का कहना यह था कि भाई जो भारत का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो हाल में 53 बिलियन डॉलर्स का है। अब यदि किसी भी तरीके के कस्टम टैरिफ्स हटते हैं तो भाई लाजमी बात है कि वो चाइनीज सामान के ऊपर भी हटेंगे, तो हो ये सकता है कि भाई चाइनीज सामान जो है वो भारत के मार्केट में भर दिए जाए क्योंकि वो कंपैरेटिवली चीपर होंगे, और उससे नुकसान किसको होगा, भारत के प्रोड्यूसर्स को, भारत के मैन्युफैक्चरर्स को। अब ये तो वो बात हो गई जो भारत ने सीधे सीधे मुद्दे उठाए, कुछ ऑब्जेक्शंस जो भारत ने कहे उसकी बात करते हैं। पहला, भारत का कहना ये था कि भाई जो बेस ईयर होगा टैरिफ्स के लिए, चलिए टैरिफ्स को भी मानने को भारत तैयार होंगे, लेकिन भारत ने बोला जो बेस ईयर है आरसीईपी के हिसाब से, ये कहा गया कि सन 2013 से जो भी टैरिफ्स वसूले गए हैं वो सब रिस्पेक्टिव कंट्रीज को हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। भारत का कहना यह था कि ये बेस ईयर 2013 से ना होकर के 2019 से होना चाहिए, इसको नहीं माना गया। दूसरी ये बात कही गई डेटा लोकलाइजेशन की। देखिए आरसीईपी का पार्ट होकर के भारत ने ये कहा सभी देशों से कि भाई हर देशों को राइट होना चाहिए अपना डेटा प्रोटेक्ट करने का। अपना डेटा आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, आपको टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन जो भी है आपको वो शेयर करनी पड़ेगी। कई देश ऐसे थे जो इस मत से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, उन्होंने कहा कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तीसरा एक और कंसर्न सर्विसेज सेक्टर, क्योंकि देखिए भारत जो है वो सर्विसेज सेक्टर में अग्रणी स्थानों में से एक पर है। अब यदि हम लोग बात करते हैं कि सर्विसेज सेक्टर की, तो भारत ने ये डिमांड करी कि जो भी आसियान समूह के देश हैं इन सबको अपने यहाँ का सर्विस सेक्टर खोलना चाहिए, जिससे कि जो भारतीय प्रोफेशनल्स हैं और भारतीय वर्कर्स जो हैं वो आसानी से उनके मार्केट में एंट्री कर सकें। लेकिन आसियान कंट्रीज जो हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं अपने सर्विस सेक्टर्स को लेकर के, और उन्होंने बहुत कोई लिबरल सा ओपिनियन नहीं रखा, कोई लिबरल सा व्यू नहीं प्रेजेंट किया भारत के संदर्भ में। साथ ही साथ एक और कंसर्न जो भारत ने रेज किया वो था रूल्स ऑफ ओरिजिन। अब देखिए रूल्स ऑफ ओरिजिन जरूरी है, हमें पता होना चाहिए कि भाई ये जो उत्पाद है ये आया कहाँ से है। ऐसा ना हो कि भाई कोई चाइनीज प्रोडक्ट जो है वो किसी दूसरे देश के रास्ते भारत तक पहुंचाया जा सके, जैसा कि हम लोग गारमेंट इंडस्ट्री में देख रहे हैं। इस समय यदि हम लोग बात करें तो भारत का जो गारमेंट सेक्टर है उसमें चाइनीज गारमेंट्स ने इतना ज्यादा डंपिंग कर दी है अपने आप की। कैसे करी? दो तरीकों से। पहला जो साउथ एशिया फ्री ट्रेड पैक्ट है उसके थ्रू, और दूसरा जो ड्यूटी फ्री कोटा फ्री विंडो बांग्लादेश से है उसके थ्रू। अब वो कह रहा है चाइनीज प्रोडक्ट लेकिन वो बाकी देशों के रास्ते भारत के मार्केट्स में अपनी जगह बना रहा है, और भारत किसी भी हाल में नहीं चाहता कि ऐसा हो। तो ये कुछ कंसर्न्स थे जो भारत ने रेस किए। अब वर्तमान परिदृश्य की हम लोग बात करते हैं। अब जैसा कि देखिए आरसीईपी सदस्य अब वैश्विक जीडीपी के लगभग 30% और दुनिया की लगभग एक तिहाई आबादी की हिस्सेदारी करते हैं, हस्ताक्षरकर्ता देश कृत संकल्पित रहे कि समझौते का यह समय उनके आर्थिक पुनरुद्धार, समावेशी विकास और रोजगार सृजन के साथ ही क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। आरसीईपी के सभी देशों का मानना यह था कि इस समझौते से जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो होगी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास, और साथ ही साथ जॉब क्रिएशन, रोजगार सृजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब बेनिफिट हो सकते हैं आरसीईपी के वजह से। साथ ही साथ एक बात यहाँ पे और देखने योग्य है, वो ये है कि आसियान समूह के कई देश जैसे कि वियतनाम, फिलीपींस, इनके आपसी मतभेद चल रहे हैं चाइना के साथ, लेकिन इन्होंने उन सभी मतभेदों को एक तरफ रखते हुए अपने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक रिकवरी को ध्यान में रख करके चाइना के साथ और बाकी देशों के साथ ये समझौते किए। लेकिन इन देशों और समूह के अन्य बड़े देश द्वारा चीन के साथ भू राजनीतिक मतभेदों को पीछे रखकर इस परस्पर लाभदायी समूहन को प्राथमिकता देना, जिसे वे दीर्घ अवधि में अपनी अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक मानते हैं, प्रकट करता है कि आर्थिक यथार्थ राष्ट्रवादी नीतियों पर हावी हुआ है। मैंने वही आपसे कहा इंडिविजुअल डिफरेंसेस छोड़ करके
कलेक्टिव डेवलपमेंट, या फिर आप ये कह सकते हैं कि भाई इकोनॉमिक रियलिटी जो है वो नेशनलिस्ट पॉलिसीज पर हावी हो गई। यहाँ पे लोगों को ये समझ में आया कि भाई इकोनॉमिकली हमको अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे इस आरसीईपी में कह सकते हैं कई देशों का उदाहरण दे करके कि यहाँ पे आर्थिक यथार्थ को प्राथमिकता दी गई है राष्ट्रवादी नीतियों के ऊपर। आगे का रास्ता इससे अतिरिक्त समझौते के अंतिम रूप में प्रकट होता है। इसमें रूल्स ऑफ ओरिजिन, सेवाओं के व्यापार, व्यक्तियों के आवागमन और उपचार और रक्षात्मक उपायों जैसे उन मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास किया गया है जिन्हें लेकर भारत ने अपनी आशंकाएं प्रकट की थी। देखिए ऐसा नहीं है कि जो मुद्दे भारत ने रेज किए, जो कंसर्न भारत ने रेज किए, उन्हें आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया गया है। शुरुआत करने की बस बात हो रही थी और ये कहा गया है कि इन सभी मुद्दों को आने वाले समय में एड्रेस किया जाएगा, लेकिन अभी जरूरत थी किस चीज की? अभी जरूरत थी सिर्फ शुरुआत की कि एक बार एक चैनल क्रिएट हो, एक माध्यम क्रिएट हो, उसके बाद जितने भी इशू आएंगे सभी इशूज को जो है वो देख लिया जाएगा। साथ ही साथ देखिए भारत के आर्थिक कद और एक बाजार के रूप में जो भारत है उसको हर कंट्री प्रिविलेज करता है, यहां तक कि चाइना भी जानता है कि भारत कितना बड़ा बाजार है। और भारत जब आरसीईपी का मेंबर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं सभी देशों को इंक्लूडिंग चाइना नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि भारत के लिए जो दरवाजे हैं वो सदा के लिए बंद हो गए हैं, एवेन्यूज खोले गए हैं। यहां तक ये भी बात करी गई है कि भाई जो यदि नई दिल्ली पुनर्विचार करके आरसीईपी का मेंबर बनना चाहता है तो 18 महीने का कूलिंग पीरियड वो भी दिया गया है कि यदि आप 18 महीने के बाद भी ज्वाइन करते हैं तो भी आपकी जो रियायत होगी वो हम लोग तब से मानेंगे जब से ये साइनिंग हुई है। ये भारत के हित में होगा कि वह भावुकता से बचते हुए अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करे और संरक्षणवाद के बजाय खुलेपन को स्वीकार करे। तो व्यूअर्स ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एडिटोरियल से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है वो है क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी से भारत के बाहर रहने के कारकों और निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए 250 शब्दों में। तो व्यूअर्स ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी को ये एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।